तो कल फिजिक्स की अच्छे से बात करने के बाद हम नॉर्मल मोबाइल गेमिंग अपडेट वीडियो में आ चुके हैं। तू समझा? हाँ। जिसमें आपको जानने को मिल जाएगा सुपर टाइनी फुटबॉल का रिलीज डेट, BGMI में आने वाली है दीपिका पादुकोण, मार्च ऑफ नेशन का सॉफ्ट लॉन्च, टेंसेंट का एक नया AI गेम इंजिन, निंजा रिमिक्स मेक हैंडस्टैंड या फिर इसे बोलना सही होगा जुजुत्सु काइसेन मोबाइल गेम उसे रिलीज कर चुके हैं, अरेना F2 क्या रिटर्न करने वाला है फिर से, और इस वीडियो का आखिरी अपडेट होगा वंस ह्यूमन मोबाइल गेम के बारे में जिसके डिवाइस रिक्वायरमेंट को लेकर ऑफिशियल डिटेल आ चुका है कि इस गेम को खेलने के लिए हमारे पास कितना अच्छा डिवाइस होना चाहिए। तो कुछ भी जानने और समझने से पहले अगर ये वीडियो कहीं भी आपको पसंद आ जाए तो फटाक से लाइक ठोक देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी लगे हाथों सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किए हो तो, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से मुंह उठा के डेली अपडेट वीडियो लेके आ जाता है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं छोटे लेकिन काफी ज्यादा मोटे गेम से। पहला गेम आ रहा है सुपर टाइनी फुटबॉल। फुटबॉल नाम सुन के इसे फायर मत समझ लेना, यानी बेसिकली अगर आप रग्बी का गेम प्ले वगैरह देखे हो तो वही गेम जो है अभी फिलहाल मोबाइल डिवाइस में आने वाला है जिसका रिलीज डेट बताया जा रहा है 17 सितंबर 2024, यानी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक ये जो गेम है रिलीज भी हो चुका होगा, जिसे आप अपने एंड्रॉइड और iOS डिवाइस में डाउनलोड करके खेल सकोगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं गेम प्री रजिस्टर पे है, गेम को पब्लिश करने वाले हैं SMT गेम्स, और गेम से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बच्चों वाला गेम है, शायद आप सबको पसंद आ जाए। लेकिन ये जो अपडेट है जरूर आप सबको पसंद आएगा क्योंकि BGMI में अभी आने वाली है दीपिका पादुकोण। नहीं उतना भी मजे मत ले लो, आपसे मिलने के लिए नहीं आ रही है, गेम के अंदर आ रही है। आपको तो पता है इससे पहले रणवीर सिंह जो है गेम के एम्बेसडर बने थे, तो फिलहाल उनको हटा के दीपिका पादुकोण जो है BGMI गेम में ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हैं, और इसको लेके बहुत सारे कंटेंट भी आपको गेम के अंदर खेलने को मिलेंगे, शायद हो सकता है इनका एक कैरेक्टर भी हमें यूज करने को मिल जाए। तो क्या आप इस कोलैबोरेशन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, कमेंट करके ना जरूर बता देना। हमारा तीसरा अपडेट आ रहा है एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिमुलेशन गेम से जिसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है कुछ चुनिंदा कंट्री में, जिसमें आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। जिस गेम की बात करें उसका नाम है मार्च ऑफ नेशन। हालांकि काफी सारे जो नए गेम्स आ रहे हैं उसका ट्रेलर वगैरह तो नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको स्क्रीन में ही दिखा देते हैं, लेकिन कुछ पिक्चर्स जरूर है जिसे आप देख के थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हो, जिसे पब्लिश करने वाले हैं स्टार फॉक्स गेम्स। अगर आप पूछोगे गेम कैसे खेलना है, गेम कैसा है, बहुत ही सिंपल है यार, अगर आप स्ट्रेटेजी वगैरह गेम पसंद करते हो तो शायद ये गेम भी आपको पसंद आए। इस गेम में आपको USSR, जर्मनी, US, जापान के जो सोल्जर वगैरह है उसे कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, उन्हें शायद अपग्रेड भी कर सकते हो, पावरफुल बनाने के लिए खुद का बेस बिल्ड करना है दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर दूसरे प्लेयर को जाके अटैक भी कर सकते हो इन सब आर्मी को यूज करके। सिंपल वर्ड में बोलो तो यार क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस टाइप का गेम खेलना पसंद है तो शायद ये गेम भी आपको पसंद आए। अभी इस गेम का ग्लोबल रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर का, अभी से ही रजिस्टर जरूर कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टेंसेंट की तरफ से, और टेंसेंट की तरफ से जब भी कोई अपडेट आता है कुछ धमाका ही होता है, लेकिन इस बार का जो धमाका है उनके तरफ से बहुत ही बड़ा हो चुका है। रिपोर्ट आउट्स ऑन ड्यूटी का ये ट्वीट पढ़ लो, टेंसेंट न्यू AI गेम इंजिन जिसका नाम रखे हैं गेम जिन ओ, इसको लेके एक ट्रेलर भी रिलीज किए हैं 50 सेकंड के आसपास जो आपको यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसे जो भी यूज करेंगे गेम को बनाने के लिए जो ज्यादा हेल्प करेगा ओपन वर्ल्ड गेम बनाने में, क्योंकि खुद ब खुद जनरेट कर सकता है कैरेक्टर, एनवायरमेंट, एक्शन, एमिंग, हाई क्वालिटी गेम भी बना सकते हैं इससे, मतलब फ्यूचर जो है बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है गेमिंग कंपनी के लिए, और नॉर्मल जो इंडिक डेवलपर है उनके लिए भी ये जो गेम इंजिन है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले कौन कौन से गेम जो है इस गेम इंजिन को यूज करके बनाया जाता है और उसका रिजल्ट कैसा होता है, कुछ हो या फिर ना हो वर्जन मोबाइल गेम इंजन से तो काफी ज्यादा बेटर ही होगा। मुझे क्यों तोड़ा? अगर आपको जुजुत्सु काइसेन इंस्पायर मोबाइल गेम खेलना है तो शायद इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले ही बता दूं यार उस टाइप का गेम नहीं है, लेकिन निंजा जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है इस गेम से ले पाओगे। जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम है निंजा रिमिक्स मेक
हैंड साइन, जिसे पब्लिश किए हैं सोयाम गेम्स, जिसे आप प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ 142 MB में डाउनलोड कर पाओगे। जिस गेम के कुछ इमेजेस भी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, हालांकि इससे पता तो नहीं चल पाता है कि गेम कैसा है, तो ये आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। गेम को डाउनलोड करो, एंजॉय करो, फिर आके कॉमेंट करके जरूर जाना कि गेम आपको कैसा लगा। लेकिन ये जो गेम है आपको जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि फिर से रिटर्न करने वाला है एरिया F2 अपने मोबाइल डिवाइसों में। कुछ भी हाँ, मुझे पता है आप लोग को यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब ये मैंने ट्वीट पढ़ा रिपोर्टर्स ऑन ड्यूटी का, तब लगा कि हाँ, हो सकता है ये जो गेम है नई तरीके से रिटर्न करने वाला है। एरिया F2 इज बैक अंडर ए न्यू नेम, रीबर्न F2। द फैन मेड प्रोजेक्ट इज अंडर डेवलपमेंट यूजिंग अनरियल इंजिन 5 एंड यूजेस द सेम एसेट एज एरिया F2। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द गेम इज नाउ प्लेबल। यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा कि ये जो गेम है प्लेबल हो चुका है। अगर मुझे मिल जाता है खेलने को, अपने डिवाइस में चल जाता है, तो उसका प्रॉपर गेम प्ले आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून रहना, और उसी वीडियो में बताएंगे कि इस गेम को आप सब भी कैसे खेल सकोगे। इसका नाम जो है रखा गया है रीबर्न F2, जिसे बना रहे हैं अनरियल इंजिन 5 पे। और एरिया F2 का तो आपको पता ही होगा कितना कमाल का गेम था, लेकिन उस गेम के पीछे तो लग पड़े थे रेनबो 6 वाले, जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। लेकिन जब तक इस वीडियो को बना रहे, गेम के ऑफिशियल रिलीज डेट को लेके कोई भी अपडेट नहीं है। एक्साइटेड तो बहुत हूं इस गेम को दोबारा ट्राई करने के लिए, तो देखते हैं आगे जाके कब इसका रिलीज डेट कंफर्म होता है और कब हम अपने मोबाइल डिवाइस में ऑफिशियल तरीके से इस गेम को डाउनलोड करके खेल पाते हैं। आपको क्या लगता है, 2024 के अंदर ही होगा या फिर 25 में, उसके बारे में जरूर बता के जाना। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है वन स्विमैन मोबाइल के डिवाइस रिक्वायरमेंट को लेके। बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार इस गेम को खेलने के लिए हमारा डिवाइस कितना अच्छा होना चाहिए, तो हमारे तरफ से तो नहीं, ऑफिशियल वालों के तरफ से ही इसको लेके एक प्रॉपर अपडेट आ चुका है, जो आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जान लो कि इसका जो टेक्निकल टेस्ट है वो 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। उसका रजिस्ट्रेशन जो है आपको प्ले स्टोर से करना पड़ेगा। कौन कौन से रीजनों में रिलीज होगा, कितना गेम का साइज होगा, उसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, डिटेल तो नहीं अपडेट वीडियो में ही कवर किए हैं, जो आपको कल देखने को तो मिल ही चुका होगा। और कुछ दिनों से आप सबके तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हर वीडियो में, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, ये जो टेक्निकल टेस्ट है वन स्विमैन मोबाइल वर्जन का, इसके लिए आपको मिनिमम स्नैपड्रैगन 885 डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर होना चाहिए किरिन 8000 के साथ, और यही हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि हम जो डिवाइस यूज करके गेम को ट्राई करते हैं उसमें शायद है स्नैपड्रैगन 732G, और ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने रखे हैं प्रोसेसर का, हमारे प्रोसेसर के आसपास भी नहीं भटकता है, तो शायद इस गेम को हम अपने मोबाइल डिवाइस में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्त इससे भी अच्छे डिवाइस यूज करते हैं, तो उनके लिए तो मजे ही मजे है। रैम आपके डिवाइस में होना चाहिए 6GB, लेकिन रिकमेंडेड है 8GB का। ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 रखा गया है, और स्टोरेज आपके डिवाइस में होना चाहिए 20GB। जी हाँ, काफी बड़ा गेम है, और बड़े गेम में बड़ा साइज भी तो होता है। अगर आप iOS डिवाइस यूज करके इस गेम को खेलने की सोच रहे हो, तो उसका भी मिनिमम और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट सामने है। अगर आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करो, आराम से पढ़ लो। तो इसके बाद सीधे सीधे मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये जो गेम है आपके डिवाइस में चल पाएगा। तो इसी के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत सारे नए गेम्स के बारे में आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो से। तो उसी खुशी में वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को भी लगे हाथ तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से मुंह उठा के डेली अपडेट वीडियोस लेके आ जाता है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।